बरेलवी उलमा से मिलो, अहल हदीस उलमा से मिलो, जितने मसालिक के उलमा हैं उनसे जाकर मुलाकात करो। हमारे लिए सब के लिए हमारे दिल खुले हुए। देखो अल्लाह ने उम्मत को चार बड़े मकातब में बांट दिया, जो चारों हक अहनाफ हैं, हनाबिला हैं, मालिकिया हैं, शाफिया हैं। अल्लाह ताला ने अलहक को दायरुम बैन अल अरबा, आज के दौर में तासुफ अल मजहब की गुंजाइश, दुनिया एक गांव बन चुकी है। अपनी जात के लिए करना है तो करो, औरों के लिए मत करो, औरों को उस पर मजबूर मत करो। मेरी जात के लिए है कि मैंने जो पढ़ा है मैंने उसके मुताबिक चलना। तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मकतब फ़िक्र की ताबीर जो की है उलमाए देवबंद ने, मैंने उसे दिलो जान से कबूल किया है। मैंने एक गांव में 20 लड़कों से पूछा हमारे नबी का नाम क्या है, एक लड़के ने नहीं बताया क्या। मैंने फिर एक से पूछा तेनू कलमा, मैंने बोले अपने नबी का नाम की है कि जी पता कोई नहीं। मैं कह तेनू कलमा आमदा है कि जिया। मैं कह सुना, कहने का ला इला इल्लल्लाह हो मुहम्मद रसूल। मैंने कहा मुहम्मद कौन है, कह जी पता नहीं कौन है। उम्मत यहाँ पहुंची हुई है और ये बेवकूफ मुनाजरों में लगे बैठे हूँ। तो बच्चों सीना कुशादा रखो, सबके लिए मोहब्बत रखो। उम्मत का इख्तिलाफ ख़त्म नहीं होगा, कहीं शदीद है, कहीं दरमियाना है, कहीं खफीफ है, लेकिन अपने सीने सबके लिए खुले रखो, सबको मोहब्बत दो। यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत, यहाँ थोड़ा सा वक्फ़ है, फिर है फातहे आलम, ये हमारे इकबाल का शेर है कि जिहाद जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें। अगर दुनिया में कुछ करना है तो यकीन बनाओ, मेहनत करो और मोहब्बत करो, यही तुम्हारी तलवारें हैं दुनिया को फतह करने की। हमारे इल्मी जो मकातिब फ़िक्र हैं वो शदीद तासुब का शिकार हैं गैर के लिए, और शदीद नफ़रत का शिकार हैं गैर के। मैं ये दीवार तोड़ना चाहता हूँ, पता नहीं कितनी ज़िंदगी बाकी है, लेकिन मैं इसकी सदा लगाता रहूँगा। मैं ऐसी नस्ल छोड़ के नहीं मरना चाहता जो नफ़रत की आग में भड़क रही हो और औरों को भी नफ़रत का सबक दे। कि उम्मत को ज़रूरत है ऐसे लोगों की, रिश्तों को, खानदानों, खानदान टूट गया, भाई भाई से मुतनफ़िर हो गया, उस पीछे कोई बड़ी वजूहत नहीं है। ज़बान पूरी ज़िंदगी अपनी ज़बान को मीठा कर, और ख़ास तौर पर रिश्तों में से इंतहाई गीबत को अपने ऊपर हराम कर, हसद को, गीबत को, बुग़्ज़ को, कीना को अपने ऊपर हराम कर। किसी में कोई सिफत देखो खुल के तारीफ करो, उसकी हौसला अफजाई करें। हम अपनी तारीफ सुन के खुश होते हैं, किसी की तारीफ करते हुए बखील हो जाते हैं। अपनी तारीफ हो रही तो बार बार पर क्या कहा, दोबारा कहना मैंने सुना नहीं, दोबारा कहना अच्छा भाई हाँ, एक दफ़ा फिर कहना क्या कहा। वो आगे कह दे फिटे मुँह तेरे कहे कुत्ती रही ऐसी। खुल के तारीफ करो, मोहब्बत हो सबको।